टू टूडेज वीडियो दिस इज सी ए निशांत कुमार एंड आई वेलकम यू ऑन फिन टैक्स बाई निशांत जहां पर मैं रेगुलरली पर्सनल फाइनेंस पर्सनल टैक्सेशन और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोज आप लोगों के सामने डालता रहता हूं

से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ रिलेटिव तो में हम लोग क्या क्या बी कवरिंग एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम सेविंग कवरिंग यूलिप्स यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड पेंशन प्लान नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड टैक्स फिक्स डिपॉजिट एंड फाइनली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन दस टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों के सामने यहां पर बात करने वाला हूं मैं आपको बताऊंगा इनका पास परफॉर्मेंस कैसा रहा है इनमें लॉक इन पीरियड कैसा रहता है एक होलसम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम इन चीजों के बारे में यहां पर बात करने जा रहे हैं राइट right? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल पेंशन स्कीम ठीक है तो अब नेशनल पेंशन स्कीम में क्या होता है आप हर साल अपना थोड़ा थोड़ा सा पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो और जब आप जब आप रिटायर हो जाओगे एट एज ऑफ तब ये पैसा आप कर पाओगे ठीक है जितना भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हो उसका आपको थोड़ा थोड़ा सा टैक्स में डिडक्शन भी मिल जाता है लेकिन इसका जो भी डिडक्शन है वो आपको डिफॉल्ट स्कीम में नहीं मिलेगा वो आपको ऑप्शनल स्कीम में यानी ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन में मिलता है ठीक है न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन में सिर्फ एटीसीसीडी टू यानी इंप्लॉयर्स मिलता है तो अभी मैं आपको के बारे में, 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 तो में, में डेढ़ लाख तक का रिडक्शन मिलता है एटीसीडी वन बी में आपको एक अडिशनल पचास हजार रुपए का रिडक्शन मिलता है और एटीसीसीडी टू में अगर आपके इंप्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है अपटू टेन परसेंट ऑफ यू बेसिक सैलरी तो उसका भी आपको यहां पर रिडक्शन मिल जाता है तो ऑलमोस्ट दो लाख रुपए दो लाख से ज्यादा का ही डिडक्शन आप लोग यहां पर क्लेम कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपकी बेसिक सैलरी का टेन परसेंट कितना है अगर इंप्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो राइट right? यहां पर होता क्या है जब आप एनपीएस में पैसा डालते हो ना तो यू गेट ऑप्शन ठीक है अब बहुत सारे मल्टीपल फंड्स हैं बहुत सारे मल्टीपल नेशनल पेंशन स्कीम्स फंड्स होते हैं जहां पर किसी किसी फंड में ऐसा होता है कि 75 परसेंट इक्विटी में है बाकी आपका बॉन्ड्स वगैरह में है किसी में थोड़ा सा कम होता है किसी में और कम होता है तो जब आप एनपीएस का अकाउंट ओपन करते हो ना तो आप देख सकते हो कि आपको कौन सा वाला चूज करना है इफ यर एन अग्रेसिव इन्वेस्टर तो फिर आप ये चाह सकते हो कि आपको सेवेंटी इक्विटी में आपका आपके पैसे का एलोकेशन हो जाए इतना ही नहीं आप एक साल के अंदर चार बार इस एसेट एलोकेशन मिक्स को चेंज भी कर सकते हो ठीक है और यहां तक कि आप अपने पैसे को मल्टीपल फंड मैनेजर्स के पास भी इन्वेस्ट कर सकते हो ये सारी की सारी चीजें करने के बाद भी आपका एटीसी वाला और एटीसीसीडी वन बी वाला और एटीसीसीडी टू वाले डिडक्शंस लैप्स नहीं होंगे आपको डिडक्शन मिलता रहेगा जो भी इक्विटी फंड्स है नेशनल पेंशन स्कीम के जो भी एक्विटी फंड्स हैं उन्होंने पास्ट में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और ये एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर भी ये ग्रो करने वाले हैं जो बॉन्ड फंड्स हैं उनका भी रिटर्न डिसेंट ही आया हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जब आप 60 इयर्स के हो जाओगे जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है तो यू मे टेंट यू यू माइट टेंट टू ओवर स्पेंड और फिर वो आपका पेंशन की तरह से काम नहीं कर पाएगा तो अब यहां पर एक ये भी आ गया है कि आप सिस्टमैटिक विस्थ्रॉल प्लान इसमें ऑप्ट कर सकते हो मतलब क्या हुआ कि 60 इयर्स की एज आपकी कंप्लीट हुई यू हैव अ कॉर्पस ऑफ मेबी टू क्रोर्स थ्री क्रोर्स फाइव क्रोर्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू बिन हाउ मच यू बिन इन्वेस्टिंग आउट योर लाइफ और फिर उसके बेसिस पर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा सा पैसा विथड्रॉ कर सकते हो इसका लॉक इन रिटायरमेंट तक है ठीक है मतलब अगर आज आपने कुछ पैसा डाला तो रिटायरमेंट तक आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते कुछ कुछ और भी हैं सामने है यहां पर आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग फंड्स ने पिछले एक साल में तीन साल में और पांच साल में किस तरह से परफॉर्म किया है और इसके बेसिस पर आप अपने नेशनल पेंशन स्कीम के स्कीम में इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो एक और बात वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिटेल्ड गाइड का लिंक मिल जाएगा जहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कौन से लिंक पर जाके कैसे अकाउंट ओपन करना है क्या बेनिफिट होते हैं क्या क्या और चीजों का आपको ध्यान रखना है एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दैट लिंक राइट तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को जरूर चेकआउट करना नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पर आ रहा है वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स अब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बट यहां पर मैं आपको एक ओवरव्यू एक बार फिर से दे देता हूं तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का मतलब होता है आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो जो कि प्राइमरली इक्विटी फंड्स हैं ठीक है यानी उनका पैसा इक्विटीज में लगता है शेयर्स में लगता है और जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे उसका आपको सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन भी मिल जाता है राइट right? तो ईएलएसएस का मतलब हो गया स्कीम यहां पर जो ईएलएसएस की परफॉर्मेंस को अगर आप लोग देखोगे तो लार्ज कैप सेगमेंट में इसकी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही है ठीक है तो जो भी आपके टॉप ईएलएसएस फंड्स हैं वो मेजरली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं यहां पर ELSS funds में आपके पास ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है क्योंकि आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो अगर आपने कोई भी सपोज आपने कोई भी एक ELSS लेट्स से आपने पराग पारिक टैक्स सेवर फंड को चूज किया ठीक है अब पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में कौन कौन सी जगहों पर इन्वेस्टेड है आपका पैसा वो आपको मिल जाता है इसमें आपके जो एक्सपेंस वगैरह होता है वो भी कम होता है और यहां पर शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड है ठीक है तो जितने भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे ईएलएसएस फंड्स में सबसे कम लॉक इन पीरियड है यानी तीन साल का लॉक इन पीरियड यहां पर है यहां पर जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है थ्रू एस आई पी म्यूचुअल फंड में आप एस आई पीज के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो ये बेस्ट तरीका होता है ऑल दो अगर आपको इमीडिएटली सेक्शन एटीसी के रिडक्शन के लिए प्रूफ चाहिए तो आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है अगर आप एस आई पीस के थ्रू जाते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो जो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे ऑसलेशन होते हैं आप उनको भी अवॉइड कर पाते हो राइट तो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, अगर आपको रिस्क नहीं पसंद है तो फिर आप एस का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे मार्केट का रिस्क एक्सपोजर आपका कम हो जाता है राइट ये आप लोग यहां पर लिस्ट देख सकते हो पिछले एक साल में तीन साल में पांच साल के बेसिस पर कौन कौन से फंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये सारे के सारे वो फंड्स हैं जिनका 75 परसेंट से ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है अगेन ई फंड्स में इन्वेस्ट करने की पूरी जानकारी एक तो आपको मेरी वीडियो से भी मिल जाएगी और एक और लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा सो डू चेक डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस नेक्स्ट जिस इन्वेस्टमेंट वीहीकल के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है यूनिट लिंकड इंश्योरेंस प्लान इसमें क्या होता है uh, जैसे जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आप प्रीमियम पे करते हो विच गोज टूवर्ड्स योर इंश्योरेंस राइट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स में जो भी आप प्रीमियम पे करते हो उसका थोड़ा सा पोर्शन तो इंश्योरेंस के लिए जाता है और बचा हुआ पोर्शन म्यूचुअल फंड्स फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है तो तो आपको म्यूचुअल की यूनिट्स मिल जाती हैं तो आपने प्रीमियम एक बार पे किया उसका थोड़ा सा पोर्शन इंश्योरेंस uh, में गया और थोड़ा सा पोर्शन उसका यूलिप्स में चला गया यूनिट्स में चला गया तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स राइट जैसे ईएलएसएस फंड्स की मैच्योरिटी जब होती है ठीक है जब ई एन एस एस फंडी होती है तो उसकी जो भी प्रोसीड्स होती हैं जितना भी आपको पैसा मिलता है जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो एक लाख रुपए तक एक्जेम होता है और उसके बाद जितना भी एक लाख के ऊपर का होता है वो टेन परसेंट से टैक्सेबल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस राइट लेकिन यूनिट इंश्योरेंस प्लान से जो भी आपको पैसा मिलता है वो एग्जेम्ट होता है अंडर सेक्शन टेन टेन डी अगर जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो दस से कम है ठीक है मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं कि अगर आपका जो एक्चुअल सम है वो एक लाख रुपए है और आपने कितना इन्वेस्ट किया हर साल आप दस दस हजार रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो तो मेच्योरिटी पर जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाएगा अंडर सेक्शन टेन टेन डी राइट यहां पर आपको डेट और इक्विटी फंड्स में स्विच करने की पॉसिबिलिटी दी हुई है और वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है ईएलएसएस फंड्स में ऐसा नहीं होता है राइट right? अगर आप एनपीएस से इसको कंपेयर करोगे तो एनपीएस के कंपैरिजन में लिक्विडिटी यहां पर बेटर होती है क्योंकि एनपीएस में में जो आपके फंड्स होते हैं हैं वो तो रिटायरमेंट तक लॉक हो जाते राइट right? लेकिन यूलिप्स आपको टाइम दिया जाता है यूलिप्स में आप बीच बीच में इस पैसे को विस्थ्रॉ भी कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर हम लोग एनपीएस के और इससे कंपेयर ही कर रहे हैं तो आपको याद है एनपीएस में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप इसको फंड मैनेजर्स को भी स्विच कर सकते हो ठीक है यहां ऐसा नहीं कर सकते यहां अगर आपने किसी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाली कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी से आपने अगर यूलिप परचेस किया है तो यू हैव टू स्टिक टू दैट इंश्योर ओनली यहां पर आपको फंड मैनेजर की चॉइस नहीं मिलती है यहां पर लाइफ कवर और कमिटमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना वट इज द एक्चुअल अमाउंट दैट यू शुड टेक फॉर द लाइफ इंश्योरेंस राइट तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है ठीक है सपोज किसी एक बंदे की एनुअल इनकम दस लाख रुपए की है तो उसको कम से कम सेवेंटी या लाख का लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी चाहिए मतलब भगवान ना करे अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को एटलीस्ट टू लाख मिलने चाहिए दिस इज आइडियल सिनेरियो ऑफ टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकिन यूलिप्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो अगर आप यूलिप्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डोंट थिंक कि इससे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी बेनिफिट मिल जाएगा जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है इसका लॉक इन पीरियड पांच साल का हो जाता है और इसने एवरेज रिटर्न जो दिया है वो पिछले पांच सालों में एट परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में अगर आप 60 से ज्यादा की एज के हो तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो इट right? तो यहां पर सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है हायर इंटरेस्ट रेट इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2 परसेंट का है जो कि ज्यादातर बैंक से ज्यादा का होता है राइट right? यहां पर पिछले बजट में इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया था तो अब कोई भी सीनियर सिटीजन थर्टी लाख रुपीज तक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है राइट right? इनिशियली जो भी आपका पैसा इन्वेस्ट होता है वो पांच साल के लिए होता है और उसके बाद आप इसको तीन साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो इनिशियली ये सिर्फ एक बार तीन साल के लिए एक्सटेंडेबल था लेकिन अभी रिसेंट बजट में जो चेंजेस हुए उससे तीन -तीन साल के मल्टीपल में आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हो इसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है लेकिन उस पर आपको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तक का डिडक्शन मिल जाता है यहां पर एक बेनिफिट ये भी होता है कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है तो एक स्टेडी इनकम अगर आप लोग देख रहे हो तो फिर ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है प्राइमरीली ये उन लोगों के लिए है जो 60 से ऊपर के हैं लेकिन अगर कोई वॉलेंटरीली रिटायर कर जाता है तो 58 की एज में भी वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है अगर कोई डिफेंस पर्सनल है तो उसके लिए एज की कोई लिमिट नहीं है इसका अकाउंट आप लोग ओपन करवा सकते हो पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जाकर बैंक में जाना ज्यादा आसान होगा क्योंकि वहीं से आपका अकाउंट भी बन जाएगा वहीं पर आपका पैसा भी इन्वेस्ट हो जाएगा और वहीं से आपको इंटरेस्ट भी आना शुरू हो जाएगा इसमें लॉक इन पीरियड इनिशियली पांच साल का होता है और इसका जो एवरेज रिटर्न है वो जनवरी से मार्च ट्वेंटी वाला जो है वो एट है अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पूरी डिटेल्ड गाइड का लिंक मिल जाएगा जहां से आप जाकर सारी के सारी और इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो कि कैसे अकाउंट खुलवाना है वगैरह वगैरह नेक्स्ट जिस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है सुकन्या समृद्धि योजना सुकन्या समृद्धि योजना में आप पैसा तब इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपकी कोई बेटी है और उसकी उम्र दस साल से कम की है तो राइट तो सुकन्या समृद्धि योजना से आपको 8.2 परसेंट का रिटर्न मिलता है जो कि ज्यादातर सेविंग स्कीम से ज्यादा होता है समृद्धि so, योजना से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है अभी हम लोगों ने देखा था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है उसमें फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का रिडक्शन आपको मिल जाता है लेकिन यहां पर जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है बस यहां पर एक पंगा यह है कि इस स्कीम में वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी बेटी है और बेटी भी दस साल से कम की है तो हर कोई इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता स्कीम स्कीम में इस स्कीम में इस आप इन्वेस्ट अपनी मैक्सिमम दो ही बेटियों के लिए कर सकते हो और दोनों बेटियों के लिए जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो मिलाकर 1.5 लाख रुपीज पर ईयर तक का ही होना चाहिए उससे ऊपर नहीं हो सकता मतलब आपको डिडक्शन उससे ऊपर का नहीं मिलेगा एक बार अगर आपने इसमें अकाउंट खोल लिया तो अगले पंद्रह साल तक हर साल आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा अगर आपने किसी साल पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो यह अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा अगर आप इसको रीएक्टिवेट करवाते हो तो हर डिफॉल्टेड ईयर के लिए आपको पचास रुपए की पेनल्टी देनी होगी तो सपोज आपने दो साल या तीन साल सपोज आपने तीन साल इसमें पैसा नहीं जमा किया और फिर जब आपने चौथे साल इसको रीएक्टिवेट करवाया तो फिफ्टी इंटू थ्री यानी डेढ़ सौ रुपए की आपकी पेनल्टी लगेगी इसके जो भी इंटरेस्ट के रेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट की बॉन्ड बॉन्ड से bond की से की यील्ड लिंक्ड होते हैं ठीक है तो ये क्वार्टरली रिवीजन इसमें आ, होता रहता है क्योंकि गवर्नमेंट की की बॉन्ड जो यील्ड्स होते हैं वो हर क्वार्टर में रिवाइज किए जाते हैं अभी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो यील्ड है वो थोड़ी सी डिक्लाइन करेगी तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए सुकन्या समृद्धि योजना उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं हो सकता है ठीक है इतनी सारी लिमिटेशंस होने के बावजूद ये एक फिक्स्ड इनकम के लिए एक बेहतर माना जाता है क्योंकि यह पब्लिक प्रोविडेंट फंड से बेहतर रिटर्न आपको देता है लॉक इन पीरियड इसमें होता है जब तक आपकी बेटी 18 साल की नहीं हो जाती और इसका जो एवरेज रिटर्न है वो फॉर द करंट क्वार्टर जनवरी 24 टू मार्च 24 इज 8.2 परसेंट अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल लिंक आपको मिल जाएगा जहां से आपको सुकन्या समृद्धि योजना में कैसे इन्वेस्ट करना है क्या क्या चीजें होती है और किन चीजों का ध्यान रखना है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस लिंक से मिल जाएगी अगली जिस स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे वो होंगे रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड आपको एक मिक्स देते हैं इक्विटी और डेट का इक्विटी में इन्वेस्ट होने से आपके रिटर्न की पोटेंशियल हो जाती है कि रिटर्न आपको हाई मिलेंगे और डेट में इन्वेस्ट होने से आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है यहां पर करंट जो भी जो भी आपका चल रहा है जैसे करंट में अभी आपका बुल मार्केट चल रहा है राइट और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है तो एक ये वाले जो फंड्स हैं रिटायरमेंट म्यूचुअल ये करंट ट्रेंड को देखते हुए काफी बेनिफिशियल आपके लिए साबित हो सकते हैं जितना भी पैसा आप इनमें इन्वेस्ट करते हो उसका रिडक्शन आपको ए सी में मिल जाता है अभी के ट्रेंड को देखते हुए UTI Retirement Fund, एक अच्छा फंड माना जा सकता है जिसमें 40% परसेंट से कम इक्विटी में लगा हुआ है बाकी आपका में लगा हुआ है। आप एक एक बार ये ये सिर्फ एक, uh, uh, educational purpose के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये नहीं रहा नहीं कह कि यूटीआई रिटायरमेंट फंड में ही डाल दो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए आई टेलिंग यू आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो यहां पर पांच साल का लॉक इन पीरियड होता है और अगर आपने फिफ्टी की एज से पहले विथड्रॉ किया तो फिर एग्जिट लोड भी होता है ना व्हाट इज एग्जिट लोड म्यूचुअल फंड्स में ये होता है कि अगर आपने uh, को, कोई कोई म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि पैसे इन्वेस्ट करने के बाद अगर एक सर्टन uh, टाइम से पहले आपने उस पैसे को विद्रॉ किया तो म्यूचुअल फंड वाले आपसे कुछ पेनल्टी या कुछ uh, पैसा चार्ज करते हैं उसको एग्जिट लोड बोलते हैं तो अगर इन्वेस्टर फिफ्टी की एज से पहले आप विद्रॉ करते हो तो थोड़ा सा एग्जिट लोड होता है ठीक है तो पांच साल का लॉक इन हो गया 58 की एज से पहले पैसा विस्थ्रॉ करने पर आपका एग्जिट लोड भी लगा तो दिस एक्चुअली इंश्योर्स के जो इन्वेस्टर है वो पहले पैसा ना निकाले और वो रिटायरमेंट के समय ही उस पैसे को विथड्रॉ करें राइट पिछले पांच सालों में इसका जो एवरेज रिटर्न है वो सेवन टू नाइन परसेंट का रहा है ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ रिटायरमेंट फंड्स हैं जो कि एक साल तीन साल और पांच साल के रिटर्न्स के बेसिस पर मैंने आप लोगों को यहां पर दिए हुए हैं ठीक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिटेल्ड लिंक भी मिल जाएगा एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसके बारे में डिटेल्स और ज्यादा डिटेल्स जान सकते हो कि कैसे आप रिटायरमेंट फंड चूज करोगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स में भी जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको ए सी में उसका रिडक्शन मिल जाता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.5 परसेंट का रिटर्न ऑफर कर रहे हैं जो कि ज्यादातर बैंक रेट से ज्यादा होता है इसमें जो भी आपको पैसा मिलता है पीपीएफ से जितना भी आपको मेचोरिटी पर जो भी आपका पैसा मिलता है वो कंप्लीटली एक टैक्स फ्री रिटर्न होता है राइट right? तो अगर मान लो आप एटीसी के अंदर ही आपने एनपीएस में भी डाल दिया सुकन्या समृद्धि में भी डाल दिया फिर भी लोग पीपीएफ को प्रेफर करते हैं क्योंकि जब रिटर्न मिलता है इससे तो वो रिटर्न इसका कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है राइट right? तो इन्वेस्टमेंट पर भले ही ए टीसी का रिडक्शन ना मिल पाए बिकॉज ऑफ एक्जॉस्टन ऑफ वन लाख फाइव की लिमिट बट द रिटर्न आर एप टैक्स फ्री इसका जो टेन्योर होता है वो फिफ्टीन लॉक इन पीरियड लेकिन तो टू थाउजेंड एक्सपायर होंगे राइट right? कंप्लीट होंगे लेकिन इस अकाउंट में जो मैंने 2010 में खोला था इसमें पैसा तो मैं हर साल इन्वेस्ट करूंगा हो सकता है मैंने पिछले साल भी इन्वेस्ट किया हो, हो सकता है मैंने आज भी इन्वेस्ट किया हो तो जो पैसा मैं इस अकाउंट में आज भी इन्वेस्ट करूंगा वो भी अगले साल में निकाल पाऊंगा मतलब इसमें ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि हर साल मैंने इन्वेस्ट किया और जब से इन्वेस्ट किया तब से पंद्रह साल तक का लॉक इन है ना जब अकाउंट खोला तब से पंद्रह साल का लॉक इन है तो इसका जो लॉक इन पीरियड है वो प्रोग्रेसिवली रिड्यूस होता रहता है राइट right? तो so, 2010 में अकाउंट ओपन किया 2010 वाले इन्वेस्टमेंट के लिए पंद्रह साल का लॉक इन पीरियड 2011 वाले लॉक इन टू वाले इन्वेस्टमेंट के लिए चौदह साल का लॉक इन टू वाले इन्वेस्टमेंट के लिए तेरह साल का लॉक इन एंड सो ऑन दो वाले इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ एक साल का लॉक इन तो इसका जो लॉक इन पीरियड है वो प्रोग्रेसिवली रिड्यूस होता रहता है इसको आप ओपन करा सकते हो ऑफिस में पोस्ट ऑफिस में पब्लिक सेक्टर यूनिट के बैंक में और कुछ प्राइवेट बैंक में भी आप इसको ओपन करा सकते हो इसका लॉक इन पीरियड फिफ्टीन ईयर का होता है एवरेज रिटर्न जनवरी से मार्च 24 का अगर हम लोग देखें तो 7.5 uh, 7.1 फाइव का इसने दिया हुआ है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेंशन प्लान्स ये जो पेंशन प्लान्स हैं ये भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ही ऑफर करती हैं तो ये यूलिप्स जैसे हैं लेकिन यूलिप्स जितने टैक्स बेनिफिट्स ये एडवांटेज नहीं देते हैं जितने एडवांटेजेस हम लोगों को यूलिप्स में मिलते हैं उतने एडवांटेजेस के पेंशन में नहीं मिलते हैं एनपीएस से अगर कंपेयर किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि एनपीएस में यू कैन स्विच द फंड मैनेजर्स एज वेल ठीक है लेकिन यहां पर पेंशन प्लान्स में बिल्कुल जैसे यूलिप में होता है अगर आपने एक इंश्योरर के पास अपना पेंशन प्लान लिया है तो आपको उसी के पास रहना होगा फंड मैनेजर चेंज करने की चॉइस आपके पास नहीं रहती है एनपीएस और पेंशन प्लान इन दोनों में ही यह चीज होती है कि जो भी आपको मेचोरिटी पर पैसा मिलता है जो भी आपको मंथली पैसा मिलता रहेगा वो आपका टैक्सेबल होता रहेगा राइट इसमें लॉक इन रिटायरमेंट तक का होता है जैसे एनपीएस में रिटायरमेंट तक का लॉक इन है वैसे यहां पर भी रिटायरमेंट तक का लॉक इन है और इसका जो एवरेज रिटर्न है पिछले पांच सालों में वो सेवन से फोर्टीन परसेंट का रिटर्न रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी कि पेंशन प्लान आप कैसे चूज कर सकते हो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड टैक्स सेविंग एफ नेशनल सेविंग सेविंग और टैक्स टैक्सिंग में ऐसा होता है कि जब आपने फिक्स डिपॉजिट ली तो आपका जो पैसा है उसका आपको भी मिल जाएगा में और वो पैसा आपका मतलब तो आपने जो इन्वेस्ट किया उसका आपको रिडक्शन मिलेगा और फिर जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाता तब तक आप उसको विस्ड्रॉ नहीं कर सकते हो राइट तो सेवन टू एट परसेंट का इंटरेस्ट रहता है सेवन टू एट परसेंट का इसमें इंटरेस्ट रहता है जो इनिशियली अट्रैक्टिव लगता है लेकिन इसमें पंगा ये है कि जो भी है जब आपकी ये मैच्योरिटी होगी तो जितना भी पैसा आपको मिलता है जो भी आप इंटरेस्ट इस पे कमाते हो वो कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाता है एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब वाला रेट ठीक है तो फिक्स डिपॉजिट से जो भी आपको इंटरेस्ट मिला वो कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाता है एज पर योर स्लैब रेट्स तो उससे थोड़ी सी अपील इसकी कम हो जाती है राइट इसमें इन्वेस्ट करना बड़ा आसान होता है आप सिंपली अगर कोई भी बैंक की जो मोबाइल वाली ऐप होती है तो उस ऐप के थ्रू आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही अपनी टैक्स सेविंग एफ घर बैठे आप इसमें ओपन कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में ये एक चीज बेटर है कि एक तो ये टैक्स सेविंग एफ से बेटर रिटर्न देते हैं ठीक है थेके? और जितना भी इस पर इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट का ए सी में डिडक्शन मिल जाता है आगे आने वाले साल में राइट right? तो फिर इससे क्या हो जाता है कि जितना भी इंटरेस्ट आपको एनएससी से मिला आप अगले साल उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो लॉक इन पीरियड यहां पर भी पांच साल का है और एवरेज रिटर्न सेवन टू एट परसेंट का रहा है आप लो, आ, आप लोग आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ टॉप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन यहां पर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एंड लास्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नाम से समझ में आ रहा है कि अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को एक अच्छा खासा कॉर्पस मिल जाए जो अगर मेरी फैमिली डिपेंडेंट है तो उसका काम अच्छे से चलता रहे राइट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं लेनी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी चाहिए अभी मैं आपको इसके रीजंस भी बता देता हूं ठीक है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी फैमिली के लिए होती है लेकिन टैक्स सेविंग के लिए एक्चुअली उतना आइडियल ऑप्शन है भी नहीं राइट right? यहां पर दो टाइप के होती है एक होती है टर्म पॉलिसी और एक आपकी ट्रेडिशनल इंडाउमेंट पॉलिसीज होती है तो जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है वो आपको प्योर प्रोटेक्शन देता है ठीक है उसमें आपका कवर ज्यादा होता है और आपका एनुअल प्रीमियम कम होता है मतलब अगर आप अभी तीस साल के हो और एक करोड़ का कवर लेना चाहते हो तो एनुअल प्रीमियम बारह से चौदह हजार में आप उसको अवेल कर सकते हो लेकिन अगर हम लोग एंडाउमेंट प्लान पर जाते हैं तो यहां पर आपका कवर कम होता है एनुअल प्रीमियम ज्यादा होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का लिंक हो जाता है जो टर्म होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट वाला कुछ नहीं होता इट्स जस्ट फॉर प्योरली प्रोटेक्शन ऑफ रिटर्न्स गारंटीड मिलते हैं और जितना भी पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है मेच्योरिटी पर जो भी पैसा आपको मिलता है वो टैक्स फ्री होता है लेकिन इसके रिटर्न्स इतने लो होते हैं और ये इनफ्लेक्सिबल इतनी होती है कि जो इसके हैं, वो इसके एडवांटेजेस से ज्यादा हो जाते हैं अभी रीसेंट बजट में कुछ चेंजेस और आए जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि जो भी पॉलिसी की मेचोरिटी होती है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है लेकिन अभी ऐसा आया हुआ है कि अगर आपका एनुअल प्रीमियम ढाई लाख से ज्यादा है अगर आपका एनुअल प्रीमियम ढाई लाख से ज्यादा है तो मेच्योरिटी पर जो भी पैसा मिलेगा वो कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगा यहां पर पांच साल का लॉक इन पीरियड है और एवरेज रिटर्न फाइव टू सिक्स परसेंट का यहां पर रहा है दीज आर द टेन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो और भी और कुछ कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन दसों के दसों के लिए डिटेल्ड गाइड्स के लिंक्स मिल जाएंगे राइट right? कि कैसे आप इनको सर्च कर सकते हो कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वगैरह वगैरह आई गेव यू एन ओवरव्यू ऑफ दीज टेन इंश्योरेंस पॉलिसीज पॉलिसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जिनमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसको लाइक करिएगा सबके साथ शेयर करिएगा कमेंट में कमें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आप कुछ और किसी और टॉपिक के बारे में भी वीडियो चाहते हो तो उसको भी कमेंट करके बताना एंड आई एल मेक अ वीडियो ऑन दैट इज वेल्थ